ओके मिस्टर नवरोज, मेरा नाम खुर्शीद है, अंकल के लाइव टीवी एंड रेडियो, हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं ऑनलाइन, और आपका मिस्टर नवरोज खान फ्रॉम इंडिया, ही हैज़ अ स्टॉल हियर एंड दे आर डूइंग स्पाइसेस एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ वैरायटी। हींग है हमारे मेन, हमारे हाँ हींग, हमारे एक्चुअली हमारे दादा वगैरह, हमारे फोर फादर्स, पूरी फैमिली हमारी, हाँ दिस इज़ अ मतलब समझ लो 100 साल पुरानी कंपनी है हमारी। तो हमारे दादाजी जो है वो पेशावर से बाय ट्रेन आते थे बम्बई में, और फिर गांव-गांव अपने कंधे पे हींग लेके हींग बेचते थे। फिर वहाँ से हमारे डैडी और इन लोगों ने सर थोड़ा मॉडर्नाइज किया। मेरी इंफॉर्मेशन के लिए जितनी थोड़ी मुझे मालूम है जी, कि हींग में कुछ परसेंटेज कुछ मिक्स करना पड़ता है। हाँ, उसमें खाने का आपको आटा है, खाने का तेल होता है, खाने का जो गोंद आता है, गम जिसको, एडिबल गम जिसको बोलते हैं, ये सब से मिक्स करके, ब्लेंडिंग करके क्वालिटी बनाते हैं रेट वाइज, ताकि उसका वो स्ट्रेंथ, उसका पावर भी कम हो और आदमी का पॉकेट के लिए भी अफोर्डेबल। हाँ, स्टैंडर्ड। तो ये सारी कंपनियां वही रेशियो यूज करती हैं? नहीं, सबके अपने अपने अलग अलग होता है। जिस तो तरह एक से टीस्पून आपका तो दूसरे का टीस्पून में फर्क होगा? नहीं, वो टीस्पून के ऊपर जाता ही नहीं, ये तो पिंच जाता है। हींग तो बहुत छोटी सी, छोटी सी चुटकी भी जो है, चुटकी में डिफरेंस आएगा। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जब एक्सपेरिमेंट के बाद ही आपको वो, जो लेडीज होती है उनको धीरे धीरे पता चल जाता है, डेली जो क्वालिटी इस्तेमाल करती है, अगर हमारी क्वालिटी है तो शुरू से उसको पता चलेगा। अच्छा, मुझे हकीम, सॉरी ये जो हींग है, इससे थोड़ा डर भी लगता है कि इसकी खुशबू, इससे फायदा क्या है? What does it do? नहीं, एक्चुअली ये मेडिसिन है, हमारे यहाँ इंडिया में तो हमने एक बार मैगजीन में ही पढ़ा था, 23 बीमारियों के इलाज में हींग का इस्तेमाल होता है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ मेडिसिन। इससे मतलब आपका हाजमा भी होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल भी कटता है, इससे हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं होता है, अस्थमा भी नहीं होता है, दमे का कोई भी तकलीफ है, अगर हड्डियों में दर्द है, बहुत सी इसके साइनस का है, हर एक चीज़ का है, इट्स अ मेडिसिन। मैं जब अफगानिस्तान में हालत ख़राब थे, पाकिस्तान में मंडी शिफ्ट हो गई थी पेशावर में हींग की, तब वहाँ इसका जो बुक थी उसके अंदर यस, ये अफगानिस्तान, ये इंडिया में होती ही नहीं है, ये अफगानिस्तान, ईरान, आजकल बहुत सारी कंट्री में अवेलेबल होनी शुरू हो गई है। उनको पता भी नहीं था कि यहाँ हमारी कंट्री में हींग होती है, जैसे ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान, मतलब क्लाइमेट वही होना चाहिए। हाँ, बर्फ बर्फ वाले जो पहाड़ है और वहाँ का टिपिकल एक क्लाइमेट इसको सूट करता है। जैसे ये ज़ाफ़रान जो है, ये भी पर्टिकुलर जगहों पे निकलता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा जी, दूसरे मसाले जो है आपने कम्प्लीट, हमारा पाकिस्तान से है। हाँ, उसी तरह के हम लोगों ने कहा, इंडिया से बड़ा पॉपुलर है। हमने अपने हिसाब से जो हमारे घर की फॉर्मूलाएं थी उससे हमने एडप्ट करके थोड़ी थोड़ी हमने हमारे रिश्तेदारों में, फिर फ्रेंड सर्कल में इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर करके प्रोडक्ट डेवलप किया, और माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली बॉम्बे में भी 1-2 साल से मार्केटिंग शुरू किया, गुजरात जहाँ हम लोग रहते हैं इंडिया में, वहाँ से हमने शुरू किया। फिर मुझे ऐसा हुआ कि चलो मैं क्यों ना ये लेके यहाँ बैठूँ दुबई में, तो हो सकता है मुझे कोई अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, मेरी ये प्रोडक्ट को धीरे धीरे मैं वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग कर सकूँ। उस पॉइंट से अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ का है इसके ऊपर? हाँ, एक्चुअली हमारी वेबसाइट है ना, वेबसाइट और हमारी ईमेल आईडी भी है, वेबसाइट पर भी जाके आप aeroplanemasala.com पे जाके भी हमारी कंपनी की सारी डिटेल ले सकते हैं। ये हमको देना पड़ेगा जी, तो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी चीज जो थी, आपने जो बताई रेसिपीज, फैमिली रेसिपीज है, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आप गुजरात से हैं। हाँ, लेकिन हमारे जो बाप दादे थे वो सब वहाँ के, पाकिस्तान नहीं, इसके अंदर हमारे जो फैमिली के जो रेसिपी थी हमारे, हलीम भी होगी, हलीम है, पाया है, निहारी है, अफगानी मीट है, पठानी चिकन है, कबाब है, और फिर आपने अफगानिस्तान का नाम लिया तो वहाँ की कबाब दाश्त, हाँ अफगानी मीट है हमारे, हाँ हाँ हाँ, ये इंडिया में, इंडिया में अभी हम लोगों ने शुरू किया, अभी पीछे दूसरी भी कंपनियां आ रही है, लेकिन इंडिया में हम ही हैं जिन्होंने ये नॉनवेज की रेसिपी वाले मसाले रखना शुरू किया। अच्छा, एक अफगान की जो ये क्रूट होता है ड्राइड योगर्ट, वो सप्लाई आपने शुरू किया? नहीं, वो सब नहीं किया, अभी हम लोग इसी प्रोडक्ट में है, क्योंकि हम लोग है कम, हमारी टीम वर्क बहुत छोटी है, तो अभी हम लोगों ने मसाले में, क्योंकि हम लोग
आज तीन पीढ़ी से चार पीढ़ी से हम लोग हींग में थे, अब हम लोग मसाले में आना शुरू। वेरी नाइस। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जो कि मुझे टीवी से जो एक्सपीरियंस हुआ है, नवरोज खान साहब जो बंदा ऑनेस्ट और बड़ा मॉडेस्ट होता है, मतलब बड़ाई नहीं है कुछ नहीं है, तो वो लोगों को पता है कि ये आप फोन का जवाब भी देंगे, जी जरूर फॉलो अप भी करेंगे। बड़ी कंपनियों में तो देखो डट भी हमारे सेल मैनेजर से बात करें, सही है सही है, तो वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो कंप्लेन है तो जो वो अपने तरीके से ही वो सॉल्व। नहीं, मुझे याद है जब भी कोई हमारे यहाँ आता है मिनिमम क्वांटिटी में मांगता है कोई भी चीज़, तो मैं उसको एक ही जवाब देता हूँ कि आपके लिए मिनिमम होगी लेकिन हमारा ये सेल में इजाफा है, चाहे आप 10 किलो भी लोगे तो वो हमारे लिए, हाँ वो हमारा 10 किलो का ग्रोथ है, अगर आप 10 किलो मांगते हो तो वो हमारा 10 किलो का ग्रोथ है। किस तरह है कि उसके वर्ड ऑफ माउथ है, वो तारीफ करेगा, फिर ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी। तो एरोप्लेन मसाला डॉट कॉम ये वेबसाइट पे जाके भी आप इससे सर्फिंग करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एरोप्लेन का तो मैंने यहाँ नाम सुना है। एक्चुअली हमारा ये हम लोग पुराने हैं, अभी हमारे पीछे पीछे, क्योंकि हम लोग खान फैमिली थे, लोगों को नॉलेज नहीं था हमारे बाप दादाओं को कि ब्रांड क्या चीज़ है, उन लोगों ने अगर यही ब्रांड पूरी रखी होती ऑल कैटेगरीज के लिए तो आज दूसरा कोई आता ही नहीं। लेकिन क्या होता है वक्त, हर एक का अपना नसीब होता है, वक्त के साथ चलना, हो सकता है उसमें तो नुकसान में हो जाता हो सकता है, कई चीजें बिफोर टाइम भी नहीं चलती। हाँ, वो बोलते हैं ना वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा। तो एरोप्लेन आपने, आपका ये एरोप्लेन, एरोप्लेन ब्रांड है, एरोप्लेन तो ये ऑलरेडी है मार्केटों में, तो ये वो एरोप्लेन, वो लोग आए हमारे बाद, हम लोगों ने 19 देखिए इंडिया आजाद, उनके साथ हमारा कोर्ट के अंदर हुआ भी था मसला, फिर उनको रियलाइज हुआ कि हम लोग सच्चे हैं, तो उन्होंने फिर हमारे साथ सेटलमेंट कर लिया। या मिल के चला रहे हैं? नहीं, वो अपनी अपनी प्रोडक्ट में डालते हैं, हमारी प्रोडक्ट में हम लोग ही है, जैसे हींग और मसाले में हम लोग हैं, तो कुछ लोग हैं जो एक है एरोप्लेन बासमती राइस वाला, तो उसने 1982 में ब्रांड अप्लाई किया था, हम लोग 1950 में एक्ट बना साहब, 47 में इंडिया पाकिस्तान अलग हुए, तो 50 में ये ट्रेडमार्क का एक्ट बना इंडिया में, हमने 1951 में अप्लाई कर दिया था हमारी ब्रांड को, और वी आर रजिस्टर्ड फ्रॉम 1952। वो लोग सब आए 1982 से। सर आपने जो टाइम दिया मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि कस्टमर सर्विस मेरा एक वो है, और जहाँ पे लोग टेक केयर करते हैं कस्टमर की वही सक्सेसफुल होती है।